आखिरकार सरकार ने घुटने टेक दिए। किसके आगे टेके? आतंकवादियों के हाथ आगे, खालिस्तानियों के आगे, विदेशी एजेंटों के आगे, नक्सलवादी के आगे, पाकिस्तानियों के आगे इस सरकार ने घुटने टेक दिए। ये मैं नहीं, मेरे वचन नहीं है, माफ करना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार बोल रही थी। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इसी सरकार ने खालिस्तानी बताया था, पाकिस्तानी बताया था, उग्रवादी बताया था, नक्सलवादी बताया था, विदेशी एजेंट बताया था, विदेशों से इनको फंडिंग आ रही है ये बताया था। तो क्या इतनी कमजोर है नरेंद्र मोदी की सरकार के खालिस्तानी के आगे झुक गई, पाकिस्तानी के आगे झुक गए, उग्रवादियों के आगे झुक गए, नक्सलवादियों के आगे झुक गए, क्या कहते हैं, आतंकवादियों के हाथ आगे झुक गए? इतनी कमजोर सरकार, अगर यदि ये खालिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तानी नहीं थे, क्या कहते हैं, उग्रवादी नहीं थे, नक्सलवादी नहीं थे, विदेशी एजेंट नहीं थे, तो इसका मतलब है कि हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के भोले भाले नागरिक को बदनाम करने की कोशिश इस सरकार ने करी। तो क्या ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का राइट बनता है क्या, जो अपने ही देश के नागरिक को आतंकवादी कहे, खालिस्तानी कहे, पाकिस्तानी कहे, विदेशी एजेंट कहे, नक्सलवादी कहे? क्या हमने ऐसी सरकार चुनी कि हम ही को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी जो भी हैं वो कहे? क्या ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का राइट है क्या? 5 राज्यों का चुनाव है भाइयों, हमारे देश के अन्नदाता को, किसान को आतंकवादी कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, नक्सलवादी कहा, विदेशी एजेंट कहा, तो क्या आप ऐसी पार्टी को सपोर्ट करोगे? ये फैसला आपको करना है कि आप जिसको मत देते हो वही आपके ऊपर लाठी बरसाती है, गड्ढे खुनवाती है, आपके लिए तार बिछवाती है, आपके लिए कील गड़वाती है रोड के ऊपर के कहीं। ये सरकार हमने चुनी थी कि हमारे ही कील गाड़े, हमें ही कांटे के तार लगवाए, हमारे ऊपर लाठियां चलवाए, हमारे ऊपर गोलियां चलवाए, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़वाए। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, झुक गई। ये तो कहना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप किसके आगे घुटने टेके हो? इस देश के किसान के आगे आपने घुटने टेके हैं या आप आतंकवादी के आगे झुके हो, खालिस्तानी के आगे झुके हो, पाकिस्तानी के आगे झुके हो, नक्सलवादी के आगे झुके हो कि उग्रवादी के आगे झुके हो? ये भारत सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए, नहीं तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप जल्द से जल्द मोदी जी इस्तीफा दो और भारतीय जनता पार्टी को ही डिसमिस करे चुनाव आयोग, और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो अपने ही देश के नागरिक को उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी, विदेशी एजेंट तक कहते हैं, ये जो कि हकीकत यही है कि ये सबके एजेंट खुद ही हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये खालिस्तानी के भी एजेंट है, पाकिस्तानी के भी एजेंट है, ISIS के भी एजेंट है, और क्या कहते, हमारे वीर जवानों को मरवाने वाले भी ये उग्रवादी यही है जो पुलवामा हमले के नाम पे वोट मांगते हैं,
और अभी देखो बिपिन रावत, उसको अब चुनावी मुद्दा तूल पकड़ा रहे हैं। तो सोच लो कैसी है इनकी घटिया राजनीतिक, जो पाकिस्तान का झंडा बुलंद करती थी जम्मू कश्मीर में मुफ्तीमा मोहम्मद, पाकिस्तान के झंडे को कबूल करती थी, उसके साथ ये गठबंधन बना के जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए थे, ये मत भूलो। एक उग्रवादी संगठन के साथ सरकार बनाया था इसने। तो क्या ऐसे उग्रवादी संगठन को जो साथ दे, क्या देश की जनता ऐसी पार्टी का साथ देना चाहती है? समझो, हमें ही लड़वाते हैं, हमें ही मरवाते हैं, हमारा ही वोट लेके हम ही को आंख दिखाते हैं, ये है भारतीय जनता पार्टी। बच के रहना भाई, 5 राज्यों का चुनाव है, हिंदू मुसलमान के मंदिर मस्जिद के बहकावे में मत आना, क्योंकि वो सिर्फ अपनी दाल रोटी सेकने के लिए हमारी भावनाओं से ये खेलते हैं। तो समझने की जरूरत है आपको, बच के रहना, बहुत जल्द 5 राज्यों का चुनाव है। जय हिंद।